सर आज कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना चल रहा है, धरने स्थल पहुंचे हैं, क्या परिजनों से वार्ता हुई है और उनको क्या आश्वासन दिलाया गया? जेठाराम का परिवार मेरा खुद का परिवार ही है और इस परिवार से मैंने मन की बात जो है आकर इनका जो दुख है सुना है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ पुलिस लगी हुई है, प्रशासन काम कर रहा है, इनको न्याय दिलाने की पूरी तरह कोशिश की जाएगी। ये जांच का विषय है, जेठाराम जी का FSL रिपोर्ट भेजी हुई है, उस रिपोर्ट आने के बाद में इसका खुलासा होगा और परिवार इस दुख की घड़ी के अंदर हम सब इनके साथ में हैं और बहुत ही जल्दी इनको न्याय मिले इसके लिए हम सब कहीं उनके साथ में। तो सर परिजनों ने क्या मांग की है आज आप मिले तो? परिवारजन की यही मांग है कि हमें न्याय दिया जाए। तो सर पुलिस अधिकारियों से भी बात को लेकर आपकी बात हुई है? माननीय SP साहब से मेरी बात हुई है, SP साहब ने यही कहा है कि इन जेठाराम जी की FSL रिपोर्ट जिस समय मेडिकल हुआ था उस समय भी डॉक्टरों ने संशय यही किया था कि जलने की आत्म किस चीज़ से ये जला है, तो ये FSL रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। जांच का विषय है और जांच चल रही है और FSL आने के बाद में इसका खुलासा हो जाएगा कि जलने से मौत हुई है या किसी ने जलाया है या किस तरह से हुआ, ये सब जांच का विषय है और जांच आएगी तो सब खुलासा होगा। तो सर धरना उठाने को लेकर भी कोई बातचीत हुई, आश्वासन? ये अभी तक तो मैंने इनकी बात पूरी सुनी है, मैं SP साहब से भी बात करूंगा अभी इस बात को लेकर। इनकी बात सुनने के बाद में मैं SP साहब से बात करूंगा और उनके बाद में फिर इनके विश्वास के ऊपर, और पहले भी उस समय जब इनका मेडिकल हुआ था, मेडिकल के बाद में इन्होंने पुलिस के विश्वास के ऊपर ही इन्होंने सब कुछ कहीं और बात रखी थी, 10 दिन का कहा था। तो अभी पुलिस लगी हुई है, निश्चित रूप से कहीं न्याय मिलेगा इनको।